विधानसभा चुनाव से पहले गोहाना में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश सचिव तथा पानीपत जिला के प्रभारी और यहां तक कि पार्टी ज्वाइनिंग के प्रदेश संयोजक पंडित उमेश शर्मा ने आज अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हुए विधानसभा चुनाव में टिकटों के बेचने का आरोप लगाया। उमेश शर्मा टिकट नहीं मिलने से पार्टी से खफा थे। उमेश के साथ साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उमेश शर्मा किसी और पार्टी में जाएंगे या नहीं, इसका फैसला आने वाले एक दो दिन में लिया जा सकता है। पंडित उमेश शर्मा की माने तो वो 2019 में भी वो भाजपा की टिकट का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें टिकट नहीं दी गई और बिल्कुल 2019 की तरह 2024 में भी उन्हें टिकट नहीं दी गई। इसी से आहत होकर उन्होंने भाजपा पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। उमेश के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक उन्होंने गोहाना से टिकट का आश्वासन दिया था। भाजपा में प्रदेश मंत्री था, प्रदेश सचिव था और पानीपत जिले का प्रभारी था, और जो ज्वाइनिंग कमेटी है प्रदेश की, मैं उसका मैं संयोजक था प्रदेश का। मैं आज सभी पदों से मैंने इस्तीफा दिया है और ये त्याग पत्र मैं भाजपा के नेताओं को भेज रहा हूँ। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण की जो विचारधारा और उनकी जो धारणा मिली, उससे आहत और नाराज होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है। कि आप भी टिकट चाहते थे? मैं टिकट चाहता था, राजनीतिक आदमी हूँ मैं। जो आदमी आजाद चुनाव लड़ चुका है वो टिकट तो चाहेगा, और टिकट की इच्छा जता करके ही मैं पार्टी में आया था 19 में। कहाँ से टिकट मांगे? मैं पहले बड़ौदा से मांग रहा था और गोहाना से भी मांग रहा था, और पार्टी विश्वस्त सूत्रों ने कहा था आप गोहाना से मांगो, गोहाना से हम जो है ब्राह्मण जाति को दे रहे। हालांकि मैं इस बात में कोई विश्वास नहीं रखता कि कौन सी जाति को कहाँ देनी है, सभी जातियों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत मेरे को पहले गोहाना दिखाया, बड़ौदा दिखाया और फिर टाए टाए फिस। तो आरोप भी लगा रहे हैं टिकट वितरण को लेकर? टिकट वितरण में पूरे हरियाणा में आवाज है ये भाई इन्होंने सारी टिकटें बेची हैं, सरकार आ नहीं रही, टिकटें बेच दो। अब जो आदमी 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ की टिकटें लेगा, और वो टिकट लेने के बाद जो MLA बनेगा वो पहले वो टिकटों के पैसे पूरे करेगा, तो ये कोई, ये तो एक सेवा भाव कहाँ रह जाएगा फिर? ये तो सौदेबाजी कर दी बीजेपी ने, ये राजनीति को धंधा बना दिया जो कि प्रजातंत्र की हत्या के बराबर है, जुल्म है। आपसे पहले भी देवेंद्र कादियान ने भी 100 करोड़ रुपए टिकट बेचने का आरोप लगाया था। हाँ ठीक है, वो सिस्टम के करीब था, मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है उसको, वो तो करीब था बिल्कुल, जो है मोहनलाल जी के भी करीब था और नायब सैनी जी के भी करीब था, और मनोहर लाल जी का तो बिल्कुल बहुत करीब भी था। उसने कहा है तो ये ऑथेंटिक है। फिर इस्तीफा दे रहे हो, किस किस को भेज रहे? मैं इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को, मोहनलाल बड़ोली जी को, और अपने नायब सैनी जी को, और जो हरियाणा के कर्णधार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, जिन पे विश्वास किया था और मेरे साथ विश्वासघात किया उन्होंने, उनको भी भेज रहा हूँ। पार्टी में जाएंगे, लोगों से चर्चा चल रही है, आज रात को भी मंथन है बहुत हमारे कार्यकर्ता साथियों से, और अच्छा फैसला लेंगे। देश हित में जो पार्टी है, प्रदेश हित में जो पार्टी है, उसमें जाएंगे। और भी साथियों ने इस्तीफा दिया आपके साथ? मेरे साथ सारे साथी, जो मेरी सारी टीम है, सब ने इस्तीफे दे दिए, सैकड़ों लोगों ने दे दिए। न सिर्फ उमेश बल्कि उनके कई सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि कितना असर भाजपा को उमेश के जाने से पड़ता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।